बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शामू जो नस्ल की रोस्टर है या चिकन है या मुर्गे है उसके बारे में है। और आप देख सकते हैं ये शामू जर्मन नस्ल का है और उसके पाँव में आपने एक कुंडी देखी है। इसका पासपोर्ट है जिस पर इसकी सारी डिटेल जो है वो लगी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट जो शामू चिक्स बच्चे हैं वो भी दिखाऊंगा और ये जो बड़े हो चुके हैं जो हमने जर्मनी से इंपोर्ट किए हैं। तो ये मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो है शामू के बारे में है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये आप इनक्यूबेटर में जो है वो बच्चे देख सकते हैं शामू के, शामू चिक्स। ये कुछ ये फर्स्ट रो में जो है ये एक महीने के है और सेकंड रो में जो है ये तकरीबन 2 से 3 दिन के है। तो आप ये बिज़नेस तो हमारा नहीं था, हमने शौक़ के लिए 2-3 जो है वो मंगवाए थे जर्मनी से, लेकिन ये एक तकरीबन 3-4 महीनों में जो है ये हम प्लान कर रहे हैं कि इसको एक प्रॉपर बिज़नेस का शेप दे दे, क्योंकि रेवेन्यू और जो जनरेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त है और एक मतलब अनबिलीवेबल इसकी मतलब वो रेवेन्यू आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी जो बच्चे आपने देखे इनक्यूबेटर में, ये 2-3 मुर्गियाँ है जो जर्मनी से इंपोर्ट की गई है शामू, और साथ में ये 2 जो है वो मुर्गे है जिसके आप पाँव में वो रिंग्स भी देख सकते हैं। ये बेसिकली इनका जो है वो वेरिफिकेशन है कि ये जर्मनी से इंपोर्ट हुई है। शामू में डिफरेंट टाइप के नस्ल के हैं, जापान से भी इंपोर्ट होते हैं, थाईलैंड से भी है और जर्मनी से भी है। हमारे पास फ़िलहाल जो है वो जर्मनी के है। ये फर्स्ट रो में जो थे ये तकरीबन 20 बच्चे इससे थे, तो तकरीबन 10 मैंने सोल्ड आउट कर दिए और 10 मैंने फर्दर रखे है कि इसको मैंने बड़ा करना है। और ये सेकेंड रो में अभी ये 1-2 दिन पहले ये भी तकरीबन 17-18 के करीब बच्चे हैं। और ये थर्ड रो में ये एक लोकल नस्ल है, तो इंशाल्लाह ये जिस तरह बड़े होंगे इसके लिए मैं वो आपको वीडियो जो है वो शेयर करता जाऊँगा। फ़र्स्ट टाइम है और इतना मुझे साफ बात है कि इतनी नॉलेज नहीं है, जस्ट बिगिनिंग है एक चीज़ की। और जो पर्सनल या शौक़ के लिए शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको एज अ बिज़नेस जो है वो इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे चैनल देखे, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में इन है, बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो ये मैंने जो 5-6 बच्चे जो 10 बच्चे सॉरी शामू के सोल्ड आउट किए थे, तो वो तकरीबन 6 से 8 हज़ार रुपये पर पीस मैंने बेचा था, लेकिन मार्केट में अभी मुझे पता चला कि 5 से 6 हज़ार रुपये पर सिर्फ एक अंडा मिलता है इसका। लेकिन खैर मैंने इस पर्पज़ के लिए किया था कि डिफरेंट मतलब लोग भी हमारे साथ आ गए। पेशावर में, सवाबी में, मतान में बहुत लोग इसमें इन है। और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देता हूँ, मेरे भाई है वो इसका मतलब लुक आफ्टर करते हैं फुल टाइम, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन वो वीडियो में सामने नहीं आना चाहते थे। और तो मैंने कहा चले मैं करता हूँ। वैसे मैं देखता तो डेली के हिसाब से मतलब छोटी सी जगह है, लेकिन मैं डेली विज़िट करता हूँ, देखता हूँ प्रोग्रेस किया है। तो इंशाल्लाह इसको हम फर्दर एक्सटेंड भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक बड़ा सेटअप भी बनाएंगे। तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देख लिया, किसी को कुछ पूछना है या बच्चे चिक्स लेने हैं तो बिल्कुल उस नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।